आप सबको मेरा प्रणाम। कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं, इस सीरीज में आज हम स्वादिष्ठान चक्र पर बात करेंगे। देखिए, हम कोई भी चक्र को लेते हैं, हर चक्र में एक अपनी ऊर्जा है और उस ऊर्जा से आपका जीवन चलता है। लेकिन योग में कुछ ऐसी साधनाएं हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करने से आप अपने चक्रों की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। अब अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो आप पूरे शरीर को कहीं से भी सर्जरी कर लें, कोई चक्र आपको दिखाई नहीं देगा। तो चक्र हालांकि है क्या? चक्र एक ऊर्जा का एक पुंज है। तो ये ऊर्जा जो हमारे शरीर में काम करती है, अलग अलग भागों में अलग अलग ऊर्जा काम करती है, तो इसी पर आज हम स्वादिष्ठान चक्र को ले रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र है कहाँ शरीर में स्थित? तो ये हमारे जो स्वादिष्ठान चक्र की जो ऊर्जा है, मूलाधार चक्र सबसे स्पाइन के नीचे के भाग पर, मूलाधार चक्र जो गुदा द्वार का जो मूल भाग है वहाँ पर मूलाधार चक्र स्थित है। स्वादिष्ठान चक्र उससे ऊपर की ओर अगर हम आते हैं तो हमारे जो जननेंद्रिय है, जननेंद्रिय का जो मूल भाग है, नाभि से लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा स्वादिष्ठान चक्र ऊर्जा काम करती है। जो हमारे शरीर की जितनी भी जो काम शक्ति है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति से ही संचालित होती है। यदि आप अपने काम शक्ति पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना होगा और अपनी वासनाओं से मुक्त होना होगा। वासनाओं से मुक्ति केवल तभी हो सकती है जब आपका स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगे, ऊपर की ओर। आपका उद्देश्य है अपने शक्तियों को ऊर्ध्वगामी करना। जो शक्ति हमारी नीचे की ओर हरासमेंट होता है उन शक्तियों को ऊपर की ओर उठाना, ऊर्ध्वरेतस होना। इसी को ही वेद में ब्रह्मवर्चस्व और तेजस की प्राप्ति कहा है। जब यह शक्ति आपके मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र जो हमारे सबसे सिर के टॉप भाग पर है वहाँ पर पहुँच जाती है तो आप तेजस प्राप्त करते हो, आप ब्रह्मवर्चस्व प्राप्त करते हो। और इसी को ही तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी जागरण कहा है। तो इसे करते कैसे हैं? कुछ चक्रों का आपस में संबंध होता है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र का बड़ा गहरा संबंध है। तो हम साधन से विधि में यदि हम देखते हैं तो ओम का उच्चारण करके, ओम में अ का उच्चारण करेंगे तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत होगा। साधन विधियों में और भी, जैसे आप प्राणायाम का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करते समय आप अपने चक्रों पर ध्यान लगाएं। अगर आप स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो आपका स्वादिष्ठान चक्र की प्राण शक्ति जागृत होने लगती है। आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होने लगती है। लेकिन ये सरल और सामान्य सी प्रक्रिया है। योग में कुछ विशेष विधियाँ हैं, विशेष साधनाएँ हैं जो गुरु के सानिध्य में की जा सकती है। अकेले में वो साधनाएं घातक सिद्ध हो जाती हैं कई बार। तो आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, इन यौगिक प्रक्रियाओं को करें और अपने जीवन में इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाएं और अपने आप को ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति की ओर लेकर जाएं। तो आप सभी प्रसन्न रहें और जीवन का पूर्ण आनंद ले सकें, जीवन की पूर्ण शक्ति का अनुभव कर सकें, इसके लिए आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे मणिपुर चक्र पर, मणिपुर चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है इस पर बात करेंगे। आप सबके लिए बहुत शुभकामना, सबको नमन। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।